confidence interval and p value. Two other things I will take here. The confidence interval, first of all, what is confidence interval? Why this confidence interval comes? There are two things: population, that is mu. Second is your sample. Whatever study we want to do, we want to try to find out one or the other attribute. One such attribute would be like mean. Supposingly, अगर मैं कोई हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहा हूं और कोई हाइपरटेंसिव ड्रग जब मैं इस्तेमाल करता हूं तो कितना ब्लड प्रेशर लोअर करती है, वो मुझे देखना है, तो वो मीन। तो जो मेरी पूरी पॉपुलेशन है, वो पूरी पॉपुलेशन तो मैं एक बार ले नहीं सकता हूं। जब मैं पॉपुलेशन सैंपल लूंगा तो कुछ मीन निकलेगा। दिस इज नोन एज पॉइंट एस्टिमेट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन सैंपल। This will be point estimate. एक बार एक point estimate निकल के आएगा, इतना lower कर रहा है, ठीक है। लेकिन हर बार, every time I take a sample, this point estimate will change. Every time I take a sample, this point estimate is to get changed. Okay, so this is known as, so when I take 5-6 samples, there will be range. Okay, this is known as your range of estimate. And when I'm trying to conduct the study, I'm trying to find out the true value. कि एक्चुअल में ये ब्लड प्रेशर रिड्यूसिंग ड्रग कितना ब्लड प्रेशर रिड्यूस करती है, कितना, हाउ मच दिस ब्लड प्रेशर रिड्यूसिंग ड्रग रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर बाय हाउ मच, रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर बाय हाउ मच। सो आई विल नीड ए रेंज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। व्हेन आई विल टॉक अबाउट स्टैंडर्ड डिविएशन, आई विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स इन डिटेल देयर, बट For one standard deviation, my 68% population lies, and for my two standard deviation, my 95% of the population lies. So, I will try calculating this standard deviation, ठीक है ना? And this two standard deviation will suggest 95%. So, confidence interval says the confidence of finding my population. If I say confidence interval 95%, so if I take my standard deviation as 2, so in the normal distribution curve, in the normal distribution curve, if I say standard deviation 2 means plus minus 2 standard deviation, either on this side or in the 2 side, the 95% probability, that means agar maine pure jitne bhi sample draw kiya aur do standard deviation mein mujhe pata chala ki mera blood pressure lower 15 से 20 mm of Hg हो रहा है। So every possible time जब मैं blood pressure दवा patient को दूंगा, that is 95% chances हैं कि वो drug इतने को lower करेगा। So confidence interval nothing else, it tells where the true value lies and true value of my mean lies where. So इसीलिए मैं दो स्टैंडर्ड डिविएशन ले लेता हूं तो मुझे पता चल गया कि इतने, जब मैं दो स्टैंडर्ड डिविएशन लेता हूं तो मेरी ड्रग इतना लोअर करती है। सो दिस इज माई
95% chance that this my drug is going to lower the blood pressure. तो जितना जितना छोटा कॉन्फिडेंस इंटरवल, जितना छोटा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उतना ही अच्छा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा. सो दिस इज वेयर माई ट्रू वैल्यू इज गोइंग टू, वेयर माई ट्रू वैल्यू इज गोइंग टू लाई. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल. आई विल रिपीट वंस अगेन, कॉन्फिडेंस इंटरवल इज नथिंग एल्स, क्योंकि पूरी स्टैटिस्टिक्स में वी डू नथिंग एल्स बट डू ओनली वन थिंग इज नोन एज एस्टिमेशन. कोई भी चीज इन फैक्ट्स को एस्टिमेशन यानी डेटा को एक प्रोसेसेबल फॉर्म में लेके आता हूं, जिसको रियल डेटा के साथ, रियल डेटा के साथ आई वॉन्ट टू कंपेयर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने वैक्सीन के बारे में बात करूं, फॉर एग्जाम्पल नोवल कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन आने वाली है. जो वैक्सीन आने वाली है उसका हम कहेंगे कि जो कुछ भी हमने निकाला वो कहते हैं कि वो भाई 95% ठीक करती है. तो ये 95% क्या है? जो हमारे सैंपल में जो स्टडी की गई थी वैक्सीन, वो 95% इफेक्टिव थी. तो क्या ये रियल पॉपुलेशन में इतना इफेक्ट करेगी? और हम मान के चलते हैं, दिस इज नोन एज एन एस्टिमेट. सो दिस इज माय एस्टिमेट. तो एस्टिमेशन में हमें कितने दूर तक एस्टिमेशन करना है, एंड एस्टिमेशन जितना दूर तक एस्टिमेशन कर पाएंगे उतना अच्छा हमारे लिए. एंड एस्टिमेशन माय ट्रू वैल्यू, मैं ट्रू वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूं. यहाँ एस्टिमेशन किसी और चीज की बात नहीं, यहाँ ट्रू वैल्यू ऑफ क्योरिंग कोविड पेशेंट था. ट्रू वैल्यू ऑफ क्योरिंग कोविड पेशेंट यानी कि RT-PCR को नेगेटिव कर देना, ये यहां पर उसकी ट्रू वैल्यू थी. वो किस तरह से घटा रहा है रियल पॉपुलेशन में. सो कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगर वो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो मीन यानी कि दो दिन या तीन दिन के अंदर RT-PCR वो घटा देगा. सो वेयर माई ट्रू वैल्यू लाइज, तो हमारी सारी स्टडीज में मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल कम से कम 95% हो तो ज्यादा अच्छा है. तो सो दैट मेरे पास 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग है, जिसमें केवल 5% एरर के चांसेस रह जाते हैं, अदरवाइज 95%. यानी कि अगर मैं 100 लोगों के बीच में कोई ड्रग दे रहा हूं, 100 पीपल को दवा दे रहा हूं, तो एटलीस्ट मेरे 95% ऑफ पीपल विल बी अफेक्टेड. सो देयर कैन नॉट बी एनीथिंग लाइक 100%. सो इफ इट इज लाइक कॉन्फिडेंस इंटरवल, दैट इज फाइंडिंग द ट्रू वैल्यू, वेयर माई ट्रू वैल्यू इज गोइंग टू लाई. और लेट मी से वेयर माई मीन ट्रू वैल्यू इज गोइंग टू लाई. When I am saying mean true value, because हम हर बार सैंपल निकाल रहे हैं और वो सैंपल से हम मीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं. और हम कहां प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी पॉपुलेशन पे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब वैक्सीन की बात करते हैं तो कुछ 2-4 हजार लोगों पे काम हो रहा होगा, वो सैंपल था. और वो सैंपल किसको? लाखों करोड़ों की पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट करना है हमें. तो दिस अगर हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत खराब होता है और हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल बहुत खराब होता है तो बहुत खराब बात हो जाती. फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्फिडेंस इंटरवल और घटता चला जाएगा तो मतलब ये वैक्सीन ये 20% लोगों को नहीं इफेक्ट करेगी. 20% की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है. तो जितना कम मेरा ये जितना ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा उतना ही बढ़िया होगा. यानी कि मेरी ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या? इधर इज डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर वाइल टेकिंग ए ड्रग. या फिर अगर मैं कहूं कि मेरे को रूमेटिक पेन हो रहा है तो वैस स्केल में मेरा जो रूमेटिक पेन है वो 95% टाइम 0 या 1 तक ले आता है. या जब वैक्सीन के बारे में बात करता हूं तो वो 95% तक वैक्सीन कोविड नहीं होने देती है. सो दिस इज माई कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड इम्प्लीकेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल. नाउ सेकेंड पॉइंट आई विल टॉक हियर इज योर